अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म। भूपेश का जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भूपेश का जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की एक दिन बिना चाकू के नहीं रही बो और गड़बो नवा छत्तीसगढ़। पर डे रायपुर की राजधानी सुरक्षित नहीं है। जब रायपुर की राजधानी अनाचार घटना से सुरक्षित नहीं है, लूट है, डकैती है, अपहरण से सुरक्षित नहीं है, तो बाकी प्रदेश के दूर दराज के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा चरम सीमा पर, और जिस प्रकार से यहाँ रेड होना, उसमें उनके द्वारा जो जारी किया जाना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश किस दिशा में जा रही है। मुख्य दो विषय, एक तो नशे का अवैध कारोबार, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि 75% जो घटनाएं हो रही है ये नशे के कारण में है। इस सरकार ने जो शराबबंदी की बात की, लेकिन आज नशे के कारण में पूरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर से यहाँ पर फैली हुई है, और ये प्रदेश में यदि ऐसी चलती रही तो इस प्रदेश को कोई नहीं बचा सकता। आज इन सारी बातों को लेकर के हम महामहिम को ज्ञापन देने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए थे और उनको जानकारी दिए हैं कि आप यहाँ के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन ये प्रदेश में हो क्या रहा है ये आपको देखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है और जिस प्रकार हमारी माता बहनों के महिलाओं की अस्मिता पर खिलवाड़ लगातार हो रहा है, और जैसे कानून व्यवस्था रोज बिगड़ती जा रही है, रोज 12 से ज़्यादा घटनाएं इस प्रकार के महिलाओं पे हो रहा है, और महामहिम को ये बताने के लिए कि जो ये घटना राजगीर जिले का कलकत्ता की जो घटना है, शहर के अंदर की घटनी, दूसरे निर्भया कांड को याद दिलाता है कि कितने भ्रष्ट तरीके से अपराधियों का मनोबल इस राज्य में इतना बढ़ गया है, जो ना कानून का डर है ना भय है, और वो बोल के गया है कि मैं लौट के आऊँगा और फिर लोगों को ठीक करूँगा। परिजन भी बता रहे थे अपराधी की इतनी हिम्मत कि वो बोले कि मैं लौट के आऊँगा और तुम लोगों को ठीक करूँगा, और ये स्थिति को महामहिम से बताने का मतलब वो खुद संवेदनशील हैं, कुछ जानती हैं। आज राज्यपाल महोदय जी को हमने जांजगीर की घटना के साथ साथ में पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में जिस प्रकार की नृशंस घटनाएं हो रही हैं, और सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, निर्भया केस ने तो पूरे देश को उद्वेलित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में तो रोज निर्भया केस हो रहा है, और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। अपराधियों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर उनको सजा मिलनी चाहिए, वो सजा नहीं मिल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ में इन घटनाओं के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तो यहाँ पर अवैध शराब, अवैध ड्रग्स, उनका आसानी से उपलब्ध होना है, उनको संरक्षण है, और उनको संरक्षण, सरकारी संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। अभी आपने देखा वो लड़का जो पकड़ा गया है, उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं ड्रग्स लिया हुआ था, मैं शराब पिया हुआ था। इसके बारे में हमने राज्यपाल महोदय को कहा है कि इसको आपको संज्ञान में लेकर ऐसी घटनाओं में जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, जिससे कि बाकी लोग ऐसी घटना करने से डरें, और इसके लिए आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि निश्चित रूप से आपने जितनी बातें कही हैं हम उनको गंभीरता से लेंगे, और उनका परिवार भी आया है, और उस परिवार ने राज्यपाल महोदय जी को बताया कि वो लोग ये बोल कर गए हैं कि मैं छूट क्या हूँ तो तुम्हारे मन के भी मर्डर कर दूँ। जिस तरह के अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वसूली हो, चाहे घुसखोरी हो, चाहे अवैध प्लाटिंग हो, चाहे नशे की तस्करी हो, आम आदमी के ऊपर महंगाई इधर उधर की जो वो बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रभाव जो छत्तीसगढ़ के आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है वो वसूली का पड़ रहा है। जितने गलत काम है उससे सरकार पैसा वसूलती है, नीचे तक पैसा वसूलती है, और इसलिए ये सारे अपराध हो रहे हैं, और किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और इससे कम में कोई बात बनेगी नहीं। जनमत खो चुकी है यह सरकार,
और कुछ दिनों में यदि यह सरकार ऐसी चलती रही तो यहाँ भी जनता लंका जैसे इनको देश छोड़ने में बाध्य करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता। आप यहाँ से निकलिए, तस्करी करनी है तो मेक्सिको जाइए, छत्तीसगढ़ में आपका कोई काम नहीं।